ये सारे मैंने क्रैकर्स इस बार लिए हैं, इसका ना पता नहीं आता कहाँ से लगा। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो फिलहाल मैं अभी कर रहा हूँ क्रैकर्स की शॉपिंग। मैं हूँ फिलहाल अभी कुरुक्षेत्र में, जो कि है दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे अभी पूरा आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से मैंने पटाखे इस बार लिए हैं फोड़ने के लिए दिवाली के। तो पूरा स्टैश दिखाने वाला हूँ 2 रुपए का, और साथ में टेस्टिंग भी करने वाले हैं। हाँ, प्रॉपर आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कौन अच्छा है कौन खराब। यस बिल्कुल, तो अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। ये सारे मैंने क्रैकर्स इस बार लिए हैं, इसके अंदर भाई ये पेंटा कलर फाउंटेन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनार हैं। ये रंग बारात मैंने अनार लिया है, ये इस बार ना एक आए हैं बियर की फॉर्म में अनार, ये भी मैंने लिए हैं। तो मैंने यूनिक क्रैकर्स भी बहुत सारे लिए हैं, और इस बार गाड़ी की डिलीवरी भी अपनी इस चक्कर में मैंने अभी स्काई शॉट वो भी लिए हैं। एक ये फुल गाड़ी है हार्ड शेप की, तो इन सबकी हम टेस्टिंग भी करने वाले हैं, आपको बताऊँगा कि कौन से सबसे अच्छे हैं। तो ये पूरी शॉप है क्रैकर्स की, यहाँ पे भीड़ लग रखी है, सब लोग अभी क्रैकर्स ले रहे हैं। तो भी भैया के आने का वेट कर रहे हैं, और जब वो आएंगे तो पूछते हैं क्या हमारा बिल है, और इतना दूर से अगर पटाखे लेने आया तो कुछ ना कुछ अंकल डिस्काउंट तो होना चाहिए ना। तो अभी इतने हरे क्रैकर्स मेरे लिए हैं, कैमरे में भी फिट नहीं हो रहे देखो। ये देखो डिस्काउंट कर देना प्रॉपर, बिल्कुल डिस्काउंट, पक्की बात, पक्का पक्का। ये भैया ने हमारा बिल बनाया है, और इस पे अभी डिस्काउंट अंकल जी कह रहे हैं कि अपने हिसाब से हम देखेंगे डिस्काउंट। अब सारे क्रैकर्स अब देखो डिक्की अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैं ये लेकर आया था, बिकॉज आई न्यू की पटाखे ऐसे हो जाएंगे, बड़े बड़े होंगे ना। तो क्रैकर सारे लेकर आ गया हूँ मैं, यहाँ पे रख देंगे हरे, और यहाँ पे आपको ज़रा दिखाता हूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली हम टेस्ट करने वाले हैं आज। तो यार ये सारे मेरे क्रैकर्स हैं, इस बार का मेरा स्टैश है, और इसमें मैंने मोस्टली स्काई शॉट्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, अनार ज़्यादा लिए हैं, बिकॉज अंकल जी मेरे को कहीं हद तक ना बम्प का शौक नहीं रहा, बट मैंने टेस्टिंग करने के लिए सिर्फ एक ही हाइड्रोफॉइल लिया है। तो इसके अंदर अनार भी हैं, स्काई शॉट्स भी हैं, एक मेरे को अच्छी लगी आइटम ये फुल जड़ी है, इस पर हार्ट का डिज़ाइन है, और एक ये अनार है किंग फिशर का, क्या बात है। तो इनमें से आपको दिखाता हूँ सारे पटाखे करके टेस्ट कि कौन कौन से अच्छे हैं, और आप देखो सारे जो पटाखे मेरे मोस्टली कॉक के हैं, बिकॉज कॉक बेस्ट ब्रांड है ना क्रैकर्स का। जब भी आप करते हो अनबॉक्स कॉक के क्रैकर्स, तो इनमें से ना एक स्काई शॉट का स्टैंड निकलता है, हमेशा इसको साथ में यूज करना, बिकॉज इतना जो स्काई शॉट है वो उल्टा नहीं जाएगा, इसीलिए दिया जाता है। जो पटाखे हैं वो तो हम जला ही रहे हैं, लेकिन आज ना साथ में नानू है यहाँ पे, तो नानू आज आप देखने वाले हरे पटाखे जो मैं लेकर आया हूँ ना, उनकी मैं करने वाला हूँ टेस्टिंग छोटी छोटी, फिर मेन तो दिवाली पे आप देखोगे। तो ये स्काई शॉट्स हैं, और ये जो अनार है ना हाइनी कैन, ये भी ये अनार है, ये बियर की कैन के अंदर अनार है, बियर की कैन में अनार बना रखा है भाई। बाकी इसके अलावा एक ही फुल जड़ी है, पकड़ना एक बार अंकल जी इसको जरा ऐसे, ये देखो हार्ट। तो यार अभी हम कर रहे हैं स्टार्टिंग अपनी रंग बरात वाले अनार से, ये सबसे बड़ा अनार है कॉक का, और साथ में एक है ये पेंटागन, तो इनको हम जलाने वाले हैं। और हमेशा जो अनार जलाया करो यार फुल जड़ी के साथ में, बिकॉज अगर इसको जलाओगे ना तो आई डोंट नो कि एकदम से ऊपर आ जाए और आपके फेस पे इंजरी हो जाए। वैसे अनार चलाने लगा जी तो मेरे हाथ नहीं, वो ऊपर की ऊपर वाली जाने वाली थी, वो फुल जड़ी होती है ना ऊपर जी, हाँ जी हाँ जी, बोतल में रखी हुई, और उसको चलाया और वो बजाय ऊपर जाने के मेरे यहाँ घुस गई, वो रॉकेट होगा रॉकेट, वो मेरे यहाँ पे घुस गया। नानू सबसे खतरनाक पटाखा आपको बोलते हैं रॉकेट ही होता है, मेरे को पता नहीं आता ये कहाँ चला जाए, तो इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा सेफ्टी के पटाखे फोड़ो, अनार जलाना है तो जलाओ फुल जड़ी के साथ में, ना कि लाइटर से डायरेक्टली। तो ये जो हमारी फुल जड़ी है ये जल गई है, लगा दें अंकल अनार में? हाँ भाई लगा दो, लेट्स सी कैसा होता है ये वाला। अभी आप लोगों ने देखा रंग बारात, और अब बारी है पेंटागन की, इसमें एक्चुअली होते हैं 5 कलर, तो आपको दिखाता हूँ। ये लगी इसके अंदर आग, तो इसके अंदर ना रेड और ग्रीन मैंने देखा, एक्चुअली बॉक्स में निकलते टोटल 5 कलर्स, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, मतलब अच्छा का लगा, बट जो रंग पर आता है मेरे को लगा 10/10, मतलब उसमें से जो फ्लेम निकली थी टोटली वर्थ है, उसमें एक्चुअली बॉक्स में से 2 ही अनार निकलते हैं, तो मेरे को तो लगा वर्थ ही है। तो अब बारी है इस हाइड्रोफॉइल्ड की, और इसकी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसकी आवाज़ सुनना बाप। तो ये एक बियर की शेप वाला अनार है, इसको एक बार छीलना पड़ेगा, तो वो नानू कर रहे हैं एक बार। ओके
अब जब बात आई गई ये बियर की तो अंकल जी जलाएंगे देखो बियर वाला तो। हाँ तो अंकल पेंसिल में आग लगाओ सबसे पहले तो। अंकल अपना हाथ दूर कर लो, पेंसिल जब जलेगी तुमसे आपके हाथ पे आ जाएगा। आ जाओ पीछे आ जाओ, बस जल गया अनार। सही था, बहुत अच्छा। अब ये यहाँ पे जल रही है चक्री, ये ना कभी और फट जाती है तो इससे थोड़ा दूर ही रहो, मैं तो यही बोलूँगा। बट सारे पटाखे ये हैं बढ़िया। अब ये बारी है रॉकेट की, इसका ना पता नहीं आता कहाँ चला गया। ये देखो जो सबसे खतरनाक मेरे को लगता है ना पटाखा, वो रॉकेट लगता है बिकॉज इसका पता नहीं इधर चला जाए उधर चला जाए, कई बार ये बाजू के अंदर भी घुस जाता है। तो अब हम जा रहे हैं रेड कैस्को और ये देखते हैं कैसा होता है, और ये जा रहे हैं विद द स्टैंड। ये तो फेल निकला, ये ऊपर जाके इसको 5 शॉट बनने चाहिए थे। अच्छा। ये बना ही नहीं कुछ। अब बारी है कॉक के ब्लोजम की और इसको जलाते हैं कि ये कैसा होता है। ये एक बहुत छोटा स्काई शॉट है, मेरी गो राउंड के नाम से है। नानी को लग गया ये बहुत बढ़िया। नानी बढ़िया है ना ये, इनको पसंद है ऐसे पटाखे जो आवाज भी ना करते हो और ऐसे ऐसे हो। तो आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मैं लेकर आया था फुल जड़ी हार्ट शेप वाली, ये जलाते हैं देखते हैं कैसे जलती है, और अगर अच्छी होती है तो भाई ये बहुत वर्थ होगी फिर। तो नानी जला रही है अभी हार्ट शेप वाली, ये हैवी है ना थोड़ी, ये अच्छी है। तो भाई कैसा लगा आपको ये पूरा क्रैकर टेस्टिंग का ब्लॉग, मेरे को बताना कमेंट्स में, बिकॉज भाई मेरे को इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रैकर्स आज के पे वीडियो बनाओ। तो हेयर इट इज, तो खत्म करता हूँ अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे ही, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ। देखो स्टे सेफ बोलती बंद भी हो गई।